शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें चीन द्वारा फंडिंग मिल रही है। इसी फंडिंग को लेकर अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है, जिसका काम उल्लंघनों की जांच करना होता है। केंद्र सरकार गलत नीति से लोगों को दिशाहीन कर रही है। इसी बात को लेकर नागपुर के फवारा चौक में कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया। राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर आरोप लग रहे थे कि इसे चीन द्वारा फंडिंग मिल रही है। वहीं संस्थान पर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने इसकी फंडिंग को लेकर एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया। गृह मंत्रालय की तरफ से एक समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्य काम इस संस्थान की फंडिंग और इसके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच करना होगा। इस समिति की अगुवाई में ईडी के विशेष निदेशक करेंगे। अंतर मंत्रालय टीम की जांच के दायरे में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया कानूनों का उल्लंघन भी होगा। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के लिए अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है। यह समिति पीएमएलए, आयकर अधिनियम, एफसीआरए आदि के विभिन्न कानूनी प्रावधानों के नियमों के उल्लंघन की जाँच करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के विशेष निदेशक समिति का जिम्मा संभालेंगे। तो कांग्रेस ने भी नागपुर में आंदोलन कर भाजपा संघ के चंदे पर उठाया सवाल। मैं तौसीफ अहमद, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग इस माध्यम से यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी परिवार के ऊपर में मोदी जी ने आदेश दिए, संस्था के ऊपर में कार्रवाई करने के आदेश दिए, ये बहुत गलत हो रहा है। गांधी परिवार की जो एक अच्छी छवि है उसको खराब करने का काम मोदी सरकार कर रही है, तो इसके खिलाफ हम लोग ने आंदोलन किया है और हम ये चीज़ होने नहीं देंगे। हिंदुस्तान के अंदर में पूरे कांग्रेस परिवार की जितनी भी साथी है सब रोड पर उतरेंगे, एक एक करके हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जिस कार्रवाई की बात कर रहे, जिस आदेश की बात कर रहे हैं आप अपनी, इस हिंदुस्तान में कोरोना के चलते हुए जितना धन मंत्री के, प्रधानमंत्री के कोटे में आया है उसका आप हिसाब दीजिए। उसका हिसाब का है, उसकी कोई पूछ नहीं है, उसकी कोई मांग नहीं है। भारत की जनता आपसे पूछते पूछते थक गई है, इसका कोई हिसाब नहीं दे रहा है। आज चीन ने इतना बड़ा हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया है, उसका आपसे जनता सवाल पूछ रही है, वो जवाब आप दे नहीं रहे हो। और आप हमारे गांधी परिवार के ऊपर में हमला उठाने की कोशिश कर रहे हो। आज इतना पैसा, आज बाबा रामदेव, विवेकानंद ऐसे नाम की जो संस्थाएं चल रही है इनके ऊपर में इतना काला धन आ रहा है, इसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस चीज का निषेध करते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ में आंदोलन हमारा जारी रहेगा और आगे भी हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। राजनीति में एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप करना जारी है। अब देखना ये होगा क्या आरोप करने वाले सही है या फिर आरोप का खंडन करने वाले। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज, नागपुर।